हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा हब ऐप पे। आज जो हम करेंगे इंडिया जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का करेंगे, माउंटेन पास यानी दर्रे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप आराम से पक्का मान के चलिए कि HSSC एग्ज़ाम में देती है, ठीक है। तो ज्योग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसको हम कवर करेंगे। और एक बात बोल दूँ कि शिक्षा हब ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप लोग डाउनलोड कर लो। और शिक्षा हब ऐप पे जो है वो कोर्सेज बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और उनके रेट भी है जो है वो कम डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, माउंटेन पास सबसे पहली बात तो होता क्या है। माउंटेन पास दो पहाड़ों के बीच का जो मार्ग होता है, मान लीजिए कि इधर भी पहाड़ है और इधर पहाड़ है, यहाँ के बीच का जो भाग होता है, उन दो पहाड़ों के जोड़ने का, दो पहाड़ों के बीच का जो दो देशों को जोड़ता है या दो राज्यों को जोड़ता है रास्ता, उसको हम माउंटेन पास बोलते हैं, ठीक है। यानी दो पहाड़ों के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देश को जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, माउंटेन पास या दर्रा बोलते हैं। सबसे पहले हम देखिएगा सिक्किम का दर्रा करेंगे, सिक्किम के दर्रे करेंगे, और हम बिल्कुल विद ट्रिक्स करेंगे जो आपको इजिली, बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। सबसे पहले नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, ठीक है। तो ये देखिएगा नाथुला दर्रा और जेलेपिला दर्रा, इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है, नाथू का सिक्का जल गया। नाथू का मतलब नाथुला, सिक्का से सिक्किम, जल से जेलेपिला दर्रा। तो आप समझ गए होंगे, नाथू से नाथुला दर्रा, सिक्का से सिक्किम दर्रा, जल से जेलेपिला दर्रा। क्लियर है इतनी बात? तो ये बहुत इजी है, PDF मैं मतलब ऐप पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जेलेपला दर्रा ये जो है, ये तीस्ता नदी से इसका निर्माण हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो नाथुला दर्रा यह सिक्किम को चीन से जोड़ता है, ये ध्यान में रखेंगे कि सिक्किम को चीन से जोड़ता है। इस रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, रेशम मार्ग के नाम से। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इसे बंद कर दिया गया था, परंतु 2006 में इसे दोबारा खोल दिया गया, समझ गए इस चीज़ को। उसके बाद में चुंबी नदी इस दर्रे से बहती है, कौन सी नदी, चुंबी नदी, ठीक है, यह नेपाल हिमाचल में है। उसके बाद में जेलेपला दर्रा की बात करें तो यह सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, किसको, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। नाथुला दर्रा व जेलेपला दर्रा ये दर्रे सिक्किम और तिब्बत के मध्य व्यापारिक मार्ग जो है वो प्रदान करते हैं। तो नाथुला दर्रा हो गया और जेलेपला दर्रा हो गया, तो ये सिक्किम और तिब्बत, तिब्बत चीन का जो एरिया आता है, उनके मध्य जो व्यापारिक मार्ग का जो है वो काम करते हैं। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट है उत्तराखंड के दर्रे, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। ये तीनों के तीनों जो दर्रे हैं ये उत्तराखंड के दर्रे हैं, हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। इसकी ट्रिक जो है वो क्या है, हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, उत्तराखंड। उत्तरी से क्या आया, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड आएगा जी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिपुलेख दर्रा यह कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है, 1962 में इसे भी बंद कर दिया गया था और 206 में खोल दिया गया। जो चीन से लगते दर्रे हैं ना, जब भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध हुआ था उस टाइम इनको बंद कर दिया गया था और दोबारा से खोल दिया गया 2006 में। तो यह कुमायूं हिमालय में स्थित है, 1962 में बंद, 2006 में खोल दिया गया। नीति दर्रा यहाँ से मानसरोवर कैलाश पर्वत श्रेणी के लिए रास्ता बनाया गया। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि कहाँ से मानसरोवर कैलाश पर्वत श्रेणी के लिए रास्ता बनाया, तो आप क्या बताएंगे, नीति दर्रे के से, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के दर्रे, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये तीनों के तीन हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा, ट्रिक ये है, रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। रोहित यानी रोहतांग, बड़े से क्या आएगा, बड़ा लाचा, किले पर क्या आएगा, शिपकिला, हिम से क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, यानी रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल स्पीति नदी घाटियों में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कुल्लू लाहौल स्पीति मतलब नदी घाटियों में स्थित है, तो आप बता दोगे कि कौन सा रोहतांग दर्रा, यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, शिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश शिमला को किससे जोड़ता है, चीन से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग है जी, 5 पर स्थित है ये, जो कि गुजरात में, गुजरात की साइड जाता है। यह हिमाचल की जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि किस दर्रे से सिंधु नदी भारत में एंटर करती है, तो क्या आएगा, शिपकिला दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है जी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की अगर हम बात करें
तो इसमें देखिएगा बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा। अरुण ने बीज बो दिया दर्रे में। ट्रिक क्या है, अरुण ने बीज बो दिया, अरुण से तो क्या आ गया अरुणाचल प्रदेश, बीज बो दिया। तो यहाँ पे देखिएगा बो से क्या आ गया बोमडिला, दिया से क्या आ गया दिफू, या से क्या आया यांगयाप। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। बोमडिला तिब्बत को भारत से जोड़ता है, यानी तिब्बत का जो चीन का जो तिब्बत वाला हिस्सा है उसको भारत से जोड़ता है। इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। इस दर्रे से कौन सी घाटी, तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। नेक्स्ट है यांगयाप दर्रा, यह भारत एवं तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यानी किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो आंसर क्या आ जाएगा यांगयाप दर्रा। क्लियर है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रों में हम बात करें तो नेक्स्ट है काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बुर्जिल, बनिहाल। तो मैंने टिक लिख रखी है इसके आगे, कर जो पीर बुर्जिल ने बनिहाल यानी जम्मू कश्मीर में कहा। ठीक है, कर जो, कर से काराकोरम आ गया, जो से जोजिला आ गया, पीर से पीर पंजाल, बुर्जिल से बुर्जिल दर्रा, बनिहाल से बनिहाल में। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। उसके बाद बनिहाल दर्रे के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यहाँ से जवाहरलाल नेहरू सुरंग गुजरती है। आपसे पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू सुरंग जो है वो किस दर्रे से गुजरती है, तो आंसर क्या आएगा बनिहाल दर्रा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही शुरू की गई थी जवाहरलाल नेहरू सुरंग जो है, यह लगभग 2.85 किलोमीटर लंबी है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 1A गुजरता है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट है जी जोजिला, इसका निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। आपसे पूछा जाए किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है, सिंधु नदी गुजरती है और सिंधु नदी से हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर की जाशकर श्रेणी में स्थित है। क्लियर है, यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 1D गुजरता है। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट है काराकोरम दर्रा, यह JK में यानी जम्मू कश्मीर में काराकोरम की पहाड़ियों में लद्दाख को चीन से जोड़ता है। लद्दाख को किससे जोड़ता है, चीन से। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब यहाँ पे देखिएगा लद्दाख को जोड़ता है चीन से, तो काराकोरम दर्रा भी कहाँ चला गया, लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही बात थे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है काराकोरम दर्रा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ऑप्शन देते हैं, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, लद्दाख आएगा। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, यहाँ से चीन जाने के लिए एक सड़क बनाई गई है। बुर्जिल दर्रा, यह पोक जो पाक अधिकृत क्षेत्र है ना, जो इंडिया कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने ले रखा है, उसको पोक बोलते हैं, को श्रीनगर से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग रहा है ना, तो ये चीज़ भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है थालगढ़ दर्रे में, देखिए यह महाराष्ट्र के पास पश्चिम में स्थित है, यानी महाराष्ट्र का ही दर्रा है थालघाट। यह दक्षिण भारत का प्रमुख दर्रा है। दक्षिण भारत के दर्रों में मुख्य रूप से घाट वर्ड जरूर आता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पश्चिम में स्थित है। यह दक्षिण भारत का प्रमुख दर्रा है जहाँ से सड़क एवं रेल दोनों गुजरती है। सड़क एवं रेल जो है वो दोनों गुजरती हैं। यह मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है। मुंबई को किससे जोड़ता है जी, नासिक से। उसके बाद है भोरघाट, यह महाराष्ट्र में पुणे एवं मुंबई को जोड़ता है। महाराष्ट्र को मुंबई एवं पुणे से जोड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट है जी पालघाट, यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। इसका ऊंचाई जो है 350 मीटर है। नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा, और ऐसा क्वेश्चन आया भी था ग्रुप डी HSSC ग्रुप डी के एग्जाम में, तो यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। यह केरल तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को। तो ये थे भारत के दर्रे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बहुत कम टाइम में कवर करवाए हैं। इसकी PDF शिक्षा हब ऐप पर डाल दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। शिक्षा हब ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और दोबारा फिर से बहुत अच्छे कोर्सेज जो है यहाँ पे अपा शिक्षा ऐप पे चला रहे हैं, और बहुत कम रेट पे आप उनको परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।